जिद मैं हूँ फरखनुद्दीम आज इस्पायर के एक नए ट्यूटोरियल के साथ इस्पायर में आज हम सीखेंगे पैरामीट्रिक डिज़ाइन कैसे बनाए जाते हैं जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये कुछ डिज़ाइन है जो कि अमूमन वाल के साथ लगाए जाते हैं वाल पैनल भी इसको हम कह सकते हैं तो ये पैरामीट्रिक डिज़ाइन की वैसे तो बेशुमार किस्में हैं लेकिन ये वाला जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये स्पेशली वॉल के लिए है या फिर मैं इसके कुछ और डिज़ाइन भी आपसे शेयर करता हूँ जैसा कि ये आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं बहुत टॉप फेमस डिज़ाइन है तो आ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैरामीट्रिक वॉल डिज़ाइन हम करेंगे तो स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करना होगा कि ये डिज़ाइन थ्री डी से बनता है सबसे पहले आपको ये जो आपको लुक नज़र आ रही है आपको ये वाली लुक थ्री में बनाना होगी उसके बाद आप इसको स्लाइस करेंगे स्लाइस के टूल के साथ इसके क्रॉस सेक्शन मिलेंगे वहाँ से आपने उन क्रॉस सेक्शन को यूज़ करना है कटिंग के लिए और फिर आप हर क्रॉस सेक्शन को एक्सट्रूड करके उससे आप उसकी एक थ्री फाइल बनाएंगे और उनको एक नई फाइल में कॉल करके आप ये प्रीव्यू देख सकेंगे अभी प्रीव्यू जो है वो अगर तो आपकी ज़रूरत है या आपके कस्टमर की ज़रूरत है तो फिर प्रीव्यू वाली साइड पर जाए वरना उसकी ज़रूरत नहीं है बहुत आसान है सिर्फ़ आपने थ्री डिज़ाइन पे मेहनत करनी है थ्री डिज़ाइन पर फोकस करना है तो स्टार्ट करते हैं स्पायर के अंदर मैंने एक नई फाइल क्रिएट की जिसका साइज़ मैंने Uh, 48 इंच बाय 48 इंच रखा और इसकी जो थिकनेस है वो uh, मैंने 0.75 रखी तो इसकी थिकनेस को चेंज करेंगे इसकी थिकनेस जो है वो मैं 2 इंच करता हूँ क्योंकि हमने थ्री पे काम करना है तो इसकी जो बॉटम uh, थिकनेस है वो टू इंच होनी चाहिए सो तो इसका आगाज़ करते हैं आप उसकी एक्स वाई डेटम पोजिशन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं पर भी सेट कर सकते हैं ओके करें ओके okay, करने के बाद अभी चूंके हम लोग जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं वो वेव का डिज़ाइन है जो कि यहाँ पे हमें स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है आ, ये लंबाई के रुख यानी इसकी जो आ, विट्स कह लें विट्स ज़्यादा है हाइट कम है तो हम लोग इसको स्क्वायर फॉर्म में बना रहे हैं डिज़ाइन सेम होगा और इसमें किन चीज़ों को हमने जिन में रखना है देखिए तो इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं अगर तो आप इसको देखते हैं तो ये एक सर्कल और फिर इन साइड पर एक सर्कल और फिर इन साइड पर एक सर्कल बना हुआ है और उसके बाद बाहर उसकी तमाम तर सर्फिस जो है वो बिल्कुल एक लेवल पर है और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस सर्कल की इससे हाइट है और फिर वो बॉटम उसका डाउन हो गया शायद फिर हाइट पे डाउन फिर हाइट पे डाउन तो इस तरह से ये शेप क्रिएट हुई तो अब अगर मैं इसके डिज़ाइन को पहले इसकी वैल्यूज़ को मैंटेन कर लूँ यहाँ पे आप ये जो नीचे बॉटम पट्टी है इसको चाहे आप दो इंच रख लें तीन इंच रख लें इट्स अप टू यू आपको जिस तरह का डिज़ाइन बनाना है आप उसको उसके मुताबिक बना सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आ जाए ये वाला जो डिज़ाइन यहाँ पर आपको आ, इसकी ये जो पोजीशन नज़र आ रही है ये हम थ्री टूल के साथ ये शेप बनाएंगे लेकिन ये शेप बनाने से पहले हमें इसका क्रॉस सेक्शन बनाना होगा क्रॉस सेक्शन क्या होगा कि यहाँ से हमने ये जो इसकी पोजिशन है उबार की अप डाउन की उसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे और उस क्रॉस सेक्शन को इसके गिर रिवॉल्व करेंगे और ये डिज़ाइन उसमें क्रिएट हो जाएगा आगाज करते हैं मैं सबसे पहले आपको आइडिया देने के लिए सर्कल लगा रहा हूँ इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर आके ये मैंने एक सर्कल लगाया सर्कल का डाया यहाँ मैं 12 इंच करता हूँ ये देखें उसके बाद ऑफसेट में आएंगे इसको मैं सिक्स इंचज पे ऑफसेट करता जा रहा हूं तो ये देखें इस तरह से मैंने ये एक डिज़ाइन का जो बेसिक है वो ड्रॉ कर लिया अब आप इस चीज को समझिएगा ये वाला जो सर्कल है इसका यहां पे मिड है यानी इसका सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से सिक्स इंच फिर सिक्स इंच फिर सिक्स इंच और सिक्स इंच इस तरह से चौबीस इंच उसका साइज पूरा हुआ तो इसको ऑफसेट को मैं क्लोज करूंगा उसके बाद अब देखिए इसमें जो सबसे अहम समझने वाली बात है मैं यहाँ पे एक गाइडलाइन लगा रहा हूँ रोलर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ला उसके मिड पॉइंट पे या उसके सेंटर पॉइंट पे छोड़ दे ये हमारे पास उसका एक सेंटर पे गाइडलाइन ला गई अब यहाँ से हमने इसको गाइडलाइन को ऊपर और नीचे ऑफसेट करवाना है ताकि हम यहाँ पे जो इसका जिकजैक्ट डिज़ाइन करें उसके लिए हमें आसानी हो तो इसमें एक तो हमें यहाँ पे लाइंस लगानी है इनके मिड पे भी यहाँ पे जैसे पॉइंटर नज़र आ रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे फिर उसके बाद हमने इसके ऑफ साइड पर यह पोजिशन देनी है तो आप एक पहली गाइडलाइन लगाएँ ये मैंने पहली गाइडलाइन लगाई और इसके ऊपर राइट क्लिक करें जैसे ही आप इसके गाइडलाइन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास दो मेन फीचर है यहाँ पे एक फीचर ये अपसाइड पे है जो गाइडलाइन की मूवमेंट के लिए है और ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो नई गाइडलाइन क्रिएट करने के लिए है तो मैं यहां पे ये जो गाइडलाइन यहाँ पे हमने लगाई थी इस जगह पे उस गाइडलाइन को यहाँ पे ऑफसेट ऑफसेट ऑप्शन बनाऊंगा तो क्या करना होगा आ, यहां पे मैं उसको रिलेटिव बोल रहा हूं रिलेटिव गाइड अब कहां पे कितनी लगेगी कि यहां से आ, एक दो तीन चार पांच छ सात तो इस तरह से सात या आठ आप हाँ इसको यहाँ पे हिस्से दें या सात आठ इसको क्वांटिटी दें चूँकि हम रिलेटिव कर रहे हैं कि एक से दूसरे दूसरे से तीसरे की वैल्यू बनाए तो यहाँ पे उसे मैं कहता हूँ तीन इंच क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाइन तीन इंच का फासला लेगी फिर यहाँ से यहाँ तक तीन फिर यहाँ से यहाँ तक तीन तो इस तरह से हम इसको करेंगे अच्छा इसको चूँकि हम यहाँ से देखें ये वैल्यू माइनस की तरफ जा रही है ना कम होती जा रही है तो यहाँ पर माइनस थ्री कर दें क्रिएट न्यू गाइडलाइन तो आपने देखा यहां से लाइन स्टार्ट हुई और तीन तीन इंच के फासले पर लाइन ड्रॉ करती हुई यहां पे गाइडलाइन आ गई इसी तरह से ये देखें ये हमारे पास गाइडलाइन का एक साइड का पोर्शन कंप्लीट हुआ अच्छा मैं एक साइड पे काम करूंगा क्योंकि दूसरी साइड सेम है इसलिए आपको सारे पे काम करने की जरूरत नहीं है वैसे भी अभी मैंने जो इसकी क्रॉस सेक्शन बनाना है तो एक साइड का बनेगा बकिया उस पर रिवॉल्व हो जाएगा ऐसे ही मैंने इस गाइडलाइन को सिलेक्ट किया इसके ऊपर राइट क्लिक करें राइट क्लिक करने के बाद अभी देखिए इसकी ये पोजीशन यहाँ पे बता रहा है चौबीस इंच पे है और मैं यहाँ पे इसको देखे दो हमारे पास थे वे एक उसका एब्सलूट पोजीशन है यानी मैं उसके ज़ीरो वैल्यू से उसको दूँ दूसरा रिलेटिव पोजीशन पे मैं यहाँ पे देखे उसे रिलेटिव पोजीशन पे कहता हूँ पहले दो पे करें क्रिएट न्यू ये दो पे उसने एक क्रिएट कर दी फिर इसी तरह से उसको मैं यहाँ पर माइनस कहता हूँ क्रिएट न्यू तो उसने माइनस पे क्रिएट कर दी इस तरह से ये देखिए ये हमारे पास आ, ये उसकी पोजीशन बन गई अच्छा अब डिपेंड करता है आप पे मैं एक एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं कि इनको मैं हाफ हाफ इंच डाउन करता हूं जैसे ये है इसकी मैं पोजिशन हाफ इंच डाउन करना चाह रहा हूं ये मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं जरूरत नहीं है तो आप यहां से उसको देखे न्यू पोजिशन है इसको आ, अभी मैंने छब्बीस पे किया इसको मैं पच्चीस अशारिया पांच पे करूंगा तो अप्लाई करूंगा तो देखिए नीचे आ गई ठीक है जरूरत नहीं है हमारी मैं इसको दोबारा छब्बीस पे मूव करवा देता हूं तो छब्बीस पे आ गई क्लोज करे अब हमारे पास देखें ये गाइड जो है गाइड लाइन जो है वो ड्रॉ हुई अब इसके अंदर हमने क्रॉस सेक्शन बनाना है तो देखें मैं यहां पे ड्रॉ कर्व यानी इसको हम पोली लाइन भी अमूमन कहते हैं ड्रॉ कर्व कर्व ड्रॉ करने जा रहा हूँ अब इस चीज को जरा समझिएगा मैं ड्रॉ कर्व पे आओगे ड्रॉ कर्व से मैंने ये स्टार्ट लिया यहां से ये कर्व दी ये कर्व दी अब देखिए समझते जाइएगा मैंने इन पॉइंट्स को यूज करना है ये अब उसी पोजीशन में मैंने ये और फिर यहां से इसको मैंने ये सीधा कर दिया अच्छा ये उसकी डायरेक्शन हमने बाहर ज्यादा कर ली क्योंकि जब इसको हम रोटेट करवाएंगे तो ये यहां कार्नर तक जाना है सो इसकी लाइन की लेंथ जो है वो ज्यादा होनी बनती है यहां पे एन प्रेस करें नोट के लिए एक तो यहां पे देखें सारी नोट स्ट्रेट है तो इस नोट को भी स्ट्रेट कर लें ताकि इसकी गुलाई इसके मुताबिक बने अब आप इस डिजाइन को यहां से जितना मर्जी बाहर खाई दे मैं इसको ज्यादा ओवर कर देता हूं ये आ गया इसी तरह से इस साइड पे भी आ जाएं ये सारी कर्व्स उसके देखें नीचे से एंकर स्ट्रेट आ रहे हैं तो आप इस एंकर को पकड़ें और इसके ऊपर स्ट्रेट करें इस एंकर को भी पकड़ें इसके ऊपर स्ट्रेट करें तो ये लाइन उसके साथ टेंजेंट स्ट्रेट हो गई तो हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन के लिए कर्व बन गई अच्छा अब ये जो गाइडलाइंस लगी हुई हैं मेरी रिक्वायरमेंट अब ये नहीं है तो मैं यहाँ से इनके ऊपर सेलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा ऐसे ही डिलीट ये देखें ये डिलीट होती जा रही है इस तरह से अगर आप आ, इनको ऑफ करना चाहे जैसे ऑफ करना चाहे तो ये देखें यहाँ से ऑफ हो जाती हैं लेकिन दोबारा से यहीं पे ऑन हो जाते हैं मुझे ये नहीं चाहिए मैं इसलिए इनको डिलीट करता जा रहा हूँ साथ साथ ये भी तरीका होता है दूसरा इसको बाय ड्रैक करके फेंक दे तो भी ये डिलीट होती जाएंगी तो ये मैंने यहाँ तक इनको डिलीट किया और अब जो अगला काम हमने करना है आपने इस कर्व को सिलेक्ट किया मॉडलिंग में आ जाए मॉडलिंग में आने के बाद यहां पे हमारे पास टूल मौजूद है क्रिएट बाय द टर्निंग वेक्टर ये रिवॉल्व वाली कमांड है ये तो मैं जैसे इस पे आऊंगा थ्री मोड ऑन कर लें ताकि आपको समझ आ सके टू में आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो ये देखें ये ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट है इसको यहां से अपने स्पिन स्पिन अराउंड लेफ्ट एंड पॉइंट अराउंड लेफ्ट एंड पॉइंट यानी ये राइट right पॉइंट है और ये लेफ्ट है तो लेफ्ट एंड पॉइंट से उसको वो स्पिन करने जा रहा है अब वो एग्जैक्ट उसने उसके ये सेंटर के ऊपर डिजाइन ड्रॉ कर दिया अब इसकी गुलाई आप देखें तमाम साइडों से एक जैसी है ये यह यहां पे आप देख सकते हैं दरम्यान में कोई मसला भी नहीं आया और ये चीज बन गई अच्छा अब इसमें एक प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो क्या है वो ये प्रॉब्लम इसकी थिकनेस कम हो गई यहां पे आप चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड कॉम्पोनेंट आप इस पे आए यहां पे आप उसके नीचे बेस पे एक इंच तक की थिकनेस दे सकते हैं ये देखे यह हमने उसके नीचे एक इंच की थिकनेस दे दी इसी तरह से आप इसको uh, दोबारा से लेके आए और यहां पे उसके बाद आप स्केल जेड हाइट ऑफ मॉडल आप यहां से भी इसकी हाइट को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते ये देखे अभी बहुत ज्यादा अगर स्टेप आपको नजर आ रहे थे तो आप यहाँ से इसके स्टेप्स को भी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन ये बेस हाइट उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी इसका कोई इतना इशू नहीं है मैं इसे कैंसिल करता हूँ मैंने वो एज़ इट इज़ ही तमाम वैल्यूज़ को रखा और इसके बाद इसको दोबारा से मैं यहाँ पे लेके आता हूँ उसकी हाइट ऑलरेडी वन हुई हुई है इसको यहाँ पर बेक कर दें बेक करने के बाद मैंने उसको दोबारा से आ, उसको हाइट दी तो देखिए एक इंच पहले हाइट थी अभी एक इंच इसमें और हाइट हो गई है इसको आप एक दफ़ा फिर बेक कर लें तो ये देखें जैसे आप इसको बेक करेंगे इस तरह से आप इसमें एक दफ़ा फिर एक इंच की हाइट दे सकते हैं ये देखें जी ये डिज़ाइन है मैंने इसको ज़्यादा क्लियर और हाइट ज़्यादा इसलिए रखी ताकि डिज़ाइनिंग में आप इसको समझ सके और आपको आ, इसकी अंडरस्टैंडिंग बसानी हो जाए तो इस डिजाइन को यहां पे रखने के बाद वापस आप ड्राइंग मोड पे आ जाएं टू में आ जाएं ये स्केच जो हमने बनाया था इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी इन लाइनों की हमें जरूरत नहीं है मेन हमारा जो डिजाइन है वो देखिए यहाँ पे बन चुका है तो अभी इसमें हमें रिक्वायर्ड है कि आपने कितने गैप के साथ इस डिजाइन की स्लाइसिंग करनी है तो इसका गैप देखिए इसके अमूमन जो हमारे पास टिकनेस आती है वो पौनी इंच की शीट होती है तो पौन इंच की शीट के दरम्यान में अगर हम करते हैं कि पौन इंच की एक शीट हो और उसके बाद फिर पौन इंच का गैप हो फिर पौन इंच की शीट हो फिर पौन इंच का गैप हो तो अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ से जब इसको स्लाइस करना है तो डेढ़ इंच इसके दरम्यान में गैप होना चाहिए आपने एक गाइडलाइन लगानी है गाइडलाइन के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर रेलिटिव टू गाइडलाइन करके Uh, इसको वैल्यू देंगे 1.5 की 1.5 की वैल्यू देने के बाद अब आपने इसको नंबर ऑफ़ गाइड्स देने हैं तो नंबर ऑफ़ गाइड्स कितने होंगे देखिए बहुत आसान है कि आप अगर इस पर कैलकुलेटर ऑन करते हैं तो मैं स्क्रीन पे कैलकुलेटर ले रहा हूँ कैलकुलेटर ऑन करते हैं तो आपके पास यहाँ से हाफ इसका है चौबीस इंच तो इसको तकसीम कर ले 1.5 पे तो आपके पास टोटल 16 गाइड्स बनेंगे तो मैं यहां से इसको 16 कहता हूं और क्रिएट करता हूँ जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइडलाइंस लग चुकी हैं और अब देखिए यहाँ से अगर आप पहली शीट लगाते हैं तो हाफ यानी पौने इंच यहाँ पे आएगी पौने इंची का गैप फिर पौने इंची की शीट आएगी पौन इंची का गैप फिर पौने इंची तो इस तरह से ये पैरामीट्रिक डिज़ाइन या वाल डिज़ाइन आपके पास बनता जाएगा आपने अपनी आसानी के लिए सहूलत के लिए यहाँ पर एक गाइडलाइन और लगा लेनी है ताकि जब हम इसकी सिलेक्शन करें तो हमें उसकी गाइड मिल जाए बसानी तो ये इतना काम करने के बाद साथ साथ फाइल को सेव भी करते जाएं क्योंकि फाइल का सेव होना बहुत जरूरी है अब हमें क्या करना है बहुत आसान है बहुत सिंपल है आपने यहां पे आना है ये हमारे पास टूल मौजूद है मैयर मैयर डिस्टेंस एरिया लेंथ आपने यहां पे आना है और मुख्तलिफ ये जो ऑप्शन हैं आपने उनको देखते हुए यहां पे लास्ट पे ऑप्शन हमारे पास मिलेगा मॉडल क्रॉस सेक्शन तो मॉडल क्रॉस सेक्शन को सेलेक्ट करें और आपने बस इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को मिक्स मिलाते जाना है अब इसमें देखना यह है कि आपकी जो लाइन है वो प्रॉपर जगह से स्टार्ट हो फिर आपने दूसरा पॉइंट यहाँ से लिया और डायरेक्शन एक ही रखिएगा एक ही साइड से सभी को आपने बनाना है तो मैंने दूसरा ये पॉइंट दिया ये थोड़ा बहुत जो एरर नजर आ रहा है बिल्कुल इस परेशान नहीं होना ये देखे ये मैंने पॉइंट लिया तीसरा था ये छोड़ा ये मैं चौथे पे उसको लेके आता हूं ये दिया पॉइंट अब पांच की बारी है और साथ साथ आप देख सकते हैं कि उसके क्रॉस सेक्शन बनते जा रहे हैं ये देखे अब मैंने फिर यहां से लिया ये आप जितना ये सेलेक्ट करते जाएंगे आगे उसके क्रॉस सेक्शन ऑटोमेटिकली बनते जा रहे हैं लगाए थे या जो हमने उसका फासला मतयन किया था कि हमने डेढ़ इंच के फासले पर लगाना है। हमने वो तमाम तर गाइडलाइंस के ऊपर क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर लिया तो अब इस क्रॉस सेक्शन को मैं फासला दे के पीछे करता जाऊँगा ताकि हम इसके ऊपर बसानी फर्दर काम कर सकें तो देखें इन चीन, ये जो तीन सर्कल या ये चार सर्कल और वो जो हमने क्रॉस सेक्शन बनाया इनको राइट क्लिक करके मूव टू न्यू ये मैंने सेक्शन के नाम से एक लेयर बनाई कलर इसको मैंने एक दिया और इसको यहाँ से अब देखे, इस लेयर में मूव हो गया और इस लेयर को ऑफ कर दे ताकि हमें वो प्रॉब्लम ना आए अब अब जितने भी ये डिजाइन बनाए इन डिजाइन को वन बाय वन आप अलहदा करते जाए वो कैसे होगा अब इन गाइडलाइंस को मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ गाइडलाइंस भी ऑफ हो गई और इस ऑब्जेक्ट को देखे मैंने सेलेक्ट किया मूव कमांड को ऑन करें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाए और इनको बाहर रखते जाए आप आर्ट का सहारा ले लें ताकि ये डिज़ाइन सीधा आपको मिले अब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसके करीब ला के मैंने रखा इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया और इसके करीब ला के रखा अच्छा एक काम साथ साथ करते जाएं ताकि आपको डिजाइन रखने में आसानी हो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें यहाँ से ये वाला जो हमारे पास ज्वाइन की कमांड है इसको यूज़ करें ताकि आखिरी जो लाइंस है जा उनको ज्वाइन करता जाए ये देखें ये क्योंकि हमें क्लोज़ फॉर्म में ये वेक्टर चाहिए मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसको भी क्लोज़ करवाया क्लोज करवा के साथ ही आल्ट का सहारा लें और इसके करीब तीन ला के इसको रख दें फिर मैंने अगला अगला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया इसको भी उसी तरह से क्लोज़ किया या ज्वाइन किया इसको भी ला के मैंने इसके साथ रखा ताकि दरमियान में गैप जो है वो वैसे तो हम बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं अच्छा एक तो ये काम ये देखिये अब ये तमाम जो क्रॉस सेक्शन बने थे वो यहाँ पे तरतीब से रखेंगे इसी तरह से अगर मैं इन तमाम को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेता हूँ यानी ये जैसे ये और ये मैंने ऑब्जेक्शन किए आप यहां से भी इसको मेंटेन कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पे आपको एक गाइड करना चाहूंगा आपने सिर्फ क्रॉस सेक्शन को सेट करना है कंट्रोल सी करें और एक नई फाइल ओपन करें मैंने एस्पायर की एक नई फाइल ओपन की अब इसमें एक चीज जेन में रखिएगा ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं एक चीज आपने जेन में रखनी है कि इसके जब आपने शीट का साइज देना है तो वो थोड़ा सा ज्यादा दीजिएगा कैसे मैं देखे इसको यहाँ से उनचास कर रहा हूँ और इधर से भी उन कर रहा हूँ क्यों ऐसा मैंने किया इसकी थिकनेस पॉइंट सेवन कर रहा हूँ क्यों ऐसा किया ये बाद में आपको बताऊँगा अभी मैंने यहाँ पर यह फ़ाइल ये रखी और कंट्रोल वी करें वो जो हमने उस फाइल से डाटा उठाया था वो यहाँ पे मैंने ला के पेस्ट कर दिया अच्छा ये डाटा यहाँ पे आया अभी चूंकि ये जो हमने डिजाइन बनाया ये हाफ शीट से तो निकलेंगे नहीं इसके लिए तो हमें शीट बड़ी चाहिए तो मैं यहां से शीट इसको डबल कर देता हूं यानी इसकी हाइट जो है वो मैं ज्यादा करने यानी इससे डबल फुल जो आठ चार की शीट होती है मैं उसके मुताबिक इसको लगा रहा हूं अच्छा अब चूंकि आपके पास आठ चार की शीट तो नहीं है आपके पास उनचास यानी फोर्टी एट इंच से बड़ी शीट तो नहीं होती तो मैंने यहां पर आपको फोर्टी नाइन इंच रखवाया ये क्यों रखवाया ये इसलिए कि आपके डिज़ाइन इसके अंदर पूरे आ सके लेकिन अगर आप इसको फोर्टी एट भी रखते हैं और इधर से नाइन्टी सिक्स करते हैं हाइट उसकी पॉइंट सेवन फाइव थिकनेस के साथ तो भी मसला नहीं है फिर हम इसको दूसरे तरीके से एडजस्ट करेंगे सबसे पहला तो ये देखें हमारे पास एक तरीका तो ये है कि आप इसको नेस्टिंग करें नेस्टिंग ऑलरेडी आप लोग इससे पहले सीख चुके हैं इसकी नेस्टिंग करें अब नेक्स्टिंग में जो हमें यहाँ पे गैप्स हैं मैंने टूल डाया उसको पॉइंट वन टू फाइव दिया क्लियरेंस दी मैंने पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव और बॉर्डर गैप अब ये वो बॉर्डर गैप है जो बाहर से मैं छोड़ूंगा इस एज से बॉर्डर गैप ये किया है इसको अप्लाई करके प्रीव्यू करें अच्छा इसका मसला हो सकता है चूँकि ये ऊपर नीचे पड़े हुए ये तो अलहदा पड़े हुए हैं ये जो ऊपर नीचे पड़े हुए हैं इनका मसला हो सकता है तो एक दफ़ा इसको एनालाइज करने दे उसके बाद हम इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे ये देखिए जो बात मैं आपको उस वक्त बताना चाह रहा था वो यहाँ पे अब आपके सामने है जैसे ही हमने नेस्टिंग का प्रीव्यू किया चूँकि हमारा ये डिज़ाइन जो अभी हमने बनाया इसकी लेंथ भी 48 इंच है जबकि हम साइडों पे बॉर्डर गैप पॉइंट टू फाइव का छोड़ रहे हैं तो ये उसको थोड़ा टेढ़ा करके एडजस्ट करेगा चूँकि उसकी लेंथ पहले ही उसके बराबर है अच्छा अब मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर रहा हूँ और दूसरा ये भी देखिए ये जो हमने किट्ठे रखे थे वो कट्ठे ऐसे ही उसके ऊपर अप्लाई हुए मैं इसको अलहदा करता हूँ अब देखिए क्या करने जा रहा हूँ इसको मूव की कमांड यूज करें मैं बिल्कुल इसके ऊपर उस तरह से मेहनत नहीं कर रहा मैं ऐसे रख रहा हूँ ये देखे सिर्फ इसकी अलाइनमेंट को मेंटेन कर रहा हूँ ये ये और ये तो इस तरह से ये हमने एक तरतीब बनाई लेकिन ये बात दिन में रखिएगा ये जो कुछ आपने बनाया आपको सेम इसकी कॉपी एक और चाहिए उसकी वजह ये है कि हमने हाफ पे काम किया था तो मैं यहां से देखिए इसकी कॉपी उठाता हूं और इस साइड पे भी लेके आता हूं तो यहां पे मैंने रख दी अच्छा अब एक बार जिन में रखिएगा जो भी हम करने जा रहे हैं अगर इसके साथ आप इधर करेंगे तो आपका जो ये जितने भी ये जो डिजाइन हमने क्रॉस सेक्शन रखे ये मिरर हो जाएंगे कैसे मिरर हो जाएंगे इस साइड पे और फिर हमें हर एक को अलहदा अलहदा पकड़ के मिरर करना होगा तो अभी उस चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे बस सिंपल आपको ये बाद में रखना होगी कि ये किस तरह से हमने बाद में इनको एडजस्ट करना है यानी ये डिज़ाइन यहाँ पे आएगा ये वहाँ पे जाएगा ये यहाँ पर इस तरह से अपोजिट सारे के सारे डिज़ाइन हो जाएंगे मिरर अच्छा अगर आप इसको करना भी जाए तो मैं आपको गाइड जरूर करता हूँ ये देखें ये मिड वाला डिज़ाइन है मैं इन दो डिज़ाइन को सिलेक्ट करता हूँ और मिरर में आके इसकी कॉपी को ऑफ करें और इनको यहां पे फ्लिप हॉरिजेंटल कर दे ये देखें जब आप ऐसा करेंगे फिर आपको हर एक डिजाइन पकड़ के अलहदा अलहदा भी करना होगा वो बाद में हम करेंगे ये देखें तो ये देखिए ये तमाम डिजाइन जो है वो जैसे ही इधर से आगे आए और आगे से वो फिर डिजाइन की पोजीशन मिरर फॉर्म में चेंज होती गई तो इस तरह से ये जब हमने इतना काम किया तो एक तो पहले इनका काम करें इनको अलाइन कर लें अलाइन कैसे करना है मैं इन सब को बॉटम एडजस्ट करता हूँ ये इन सब का बॉटम एडजस्ट हुआ अच्छा दो सूत्र या बॉटम एडजस्ट कर लें या फिर इनको सेंटर में कर लें यह देखिए ये सेंटर और इधर से ये इनके आपस में भी सेंटर पोजीशन कर ली सेंटर पोजीशन करने के बाद इनको मैं रोटेट करवा रहा हूं 90 डिग्री पे ये रोटेट हो गए अब अगला काम इसमें क्या है इसको सेव करें अगला काम इसमें हम ये करने जा रहे हैं कि अब चूंकि हमारे पास ये टोटल ये वाले जो अभी हमने सेगमेंट बनाई इसको सेव करेंगे जी न्यू टू वैक्टर न्यू टू थ्री थी न्यू टू मैंने उसकी वैक्टर बना ली अब इसको हम नेस्टिंग में लेके आते हैं ये देखे पहला काम मैंने कहा था इसको ये पकड़े उसके बाद इसके साइज़ पे आ जाए ये साइज़ अभी देखिए उसका 48 इंच साइज़ विड्थ आ रही है तो मैं इसकी विड्थ जो है वो आधी इंच ही रेड्यूस करता हूँ बल्कि आधी इंच से भी थोड़ी सी मैं ज़्यादा इसको रिड्यूस कर देता हूँ ताकि साइडों पर मेरे पास इसका मार्जिन कटिंग मार्जिन बच जाए तो फोर्टी इंच वैसे तो मैंने जो शीट साइज़ आपको बड़ा कहा था लगाने के लिए वो मैं उस बात से पीछे हट गया हूँ इस वजह से कि शायद आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आए उस पर काम करते वक्त तो उससे बेस्ट है कि आप पीसीस को थोड़ा सा छोटा कर लें वैसे मसाला नहीं था अगर आप बड़े साइज़ की शीट कहते तो आपको डिज़ाइन के हद हाँ तक या सॉफ्टवेयर के हद हाँ तक शीट बड़ी लगानी थी लेकिन लगाते वक्त आपने फिजिकली वही लगानी थी लेकिन आ, उसको क्लैम्प कैसे करना था शीट के ऊपर वो फिर थोड़ी सी मुश्किल आनी थी लेकिन अभी इसको मैं चेंज कर रहा हूँ इसका मैं साइज़ जो है वो फोर्टी सेवन कर देता हूँ ताकि मुझे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए ट भी उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली उसकी एडजस्ट हो जाएगी मैंने इसको अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा उसने साइज उसका रिड्यूस किया क्लोज करें क्लोज करने के बाद नेस्टिंग पे आ जाए अब नेस्टिंग करने से पहले मैं हमेशा कहूंगा एक दफ़ा फाइल को सेव जरूर कर लिया करें क्योंकि ये जो बड़े प्रोसेस होते हैं ये कई दफ़ा उस सॉफ्टवेयर का हैंग होने के चांस होते हैं कुछ और भी मसला हो सकता है तो इसलिए एक जो आपने मेजर आ, एक्टिविटी परफॉर्म की उसके बाद एक दफ़ा फाइल को ज़रूर सेव कर ले मैं नेस्टिंग में आता हूँ नेस्टिंग के लिए तरीकाकार वही टूल का डायमीटर मैंने दिया और टूल का दूसरी साइड से क्लियरेंस थी और बॉर्डर गैप मैंने पॉइंट टू फाइव दिया बॉर्डर गैप देने के बाद उसको यहाँ पे रोटेट पार्ट ऑफ माइंड बेस्ट फिट का मैंने एक डिग्री पे उसे कहा कि बेस्ट फिट कर दें मेरे पार्ट और ये सारी चीज़ें मैं उसको दे के यहाँ पर मैं उसे प्रीव्यू कहता हूं जैसे मैंने प्रीव्यू कहा थोड़ा सा टाइम लेगा और इसका प्रीव्यू बना देगा देखिए जब आप नेस्टिंग पे आए तो एक बात यहाँ पे ज़रूर आपके जहन में होनी चाहिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे अलग अलग सेलेक्ट होने चाहिए देखिए उसने सारे कंपोनेंट्स अलग अलग सेलेक्ट कर लिए हर एक की उसने इंडिविजुअल बाउंड्री बना ली तो ये काम बहुत जरूरी है अगर आप ऐसा देखते हैं कि दो कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए हैं और वो ओवरऑल उनकी एक बाउंड्री बना रहा है तो आप नेस्टिंग को बिल्कुल रोक दें सबसे पहले उनको अलहदा करें उसके बाद आप उसकी नेस्टिंग पे जाएं तो एक चीज यहां से आपने अलाओ पार्ट्स इनसाइड अदर पार्ट्स तो ये आपने हमेशा ऐसी सूरत में ऑफ रखना है वैसे अभी इस प्रीव्यू में कोई इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन आपने यहां पे इसको अनचेक कर देना है ये अमूमन हम उस वक्त कहते हैं जब बहुत बड़े पार्ट के अंदर से उसके हालो एरिया में से हमने यहाँ पार्ट निकालते हैं तो वहां पे ये यूज होता है लेकिन इस वक्त हमें यहां पे इसकी जरूरत नहीं है तो हमें वेट करना होगा इसकी ये जो प्रोसेसिंग है उसके कंप्लीट होने का जैसे इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो फिर हम इसको देखेंगे कि, कि ये कितनी शीटें यूज़ कर रहा है कितनी शीट्स के ऊपर ये जो अभी हमने डिज़ाइन बनाए कितनी शीट्स के ऊपर इन डिज़ाइन को काटेगा एक शीट पे हो सक तो नहीं हो सकता किसी भी सूरत में नहीं हो सकता क्योंकि डिज़ाइन बड़ा है तो ये मिनिमम दो या दो से ज़्यादा शीट्स के ऊपर इस डिज़ाइन को लगाएगा लेकिन यह सारा डिसीजन इस प्रीव्यू के बाद होगा तो इसका वेट कीजिएगा तो नाजीन जैसे ही उसकी नेस्टिंग के प्रीव्यू का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो यहां पे देखो उसने टोटल ये दो शीट्स यूज की शीट वन और शीट टू तो से आप जिस शीट के ऊपर भी क्लिक करेंगे वो शीट उसकी एक्टिव हो जाएगी और आप इसके ऊपर फर्दर प्रोसेस कर दें बल्कि इसने यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल बचा दिया अब जो हमने थोड़ा सा साइज़ छोटा किया था तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं कि वो साइज़ की जो पोजीशन है वो साइडों पे बड़ी मेंटेन हुई आप यहाँ पे इसको आ, किसी भी तरीके से लॉक कर सकते हैं क्लेम कर सकते हैं कोई भी आप इस पर काम कर सकते हो ये देखें तो इस तरह से आ, इस प्रोसेस को जैसे ही आपने प्रीव्यू में देखा तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ओके हुआ तो इसको आप ओके कर दें तो फाइल सेव करें फाइल सेव करने के बाद इसके टूल पाथ पे आ जाएं और यहाँ पे प्रोफाइल टूल पाथ के ऊपर लाके आप इसको यहाँ पे पॉइंट वन टू फाइव हमने दिया था यानी एक सूत का एनमिल यहाँ पे लगा हुआ है इसकी डेप्थ पॉइंट सेवन फाइव ओके है और इसको मैं आउटसाइड कटिंग कर रहा हूँ यानी जो इसका आ, जो इसका एज है उसके आउटसाइड पर उसकी कटिंग होगी कैलकुलेट करें आ, ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया इसको मैंने प्रोफाइल वन किया कैलकुलेट करें तो इस तरह से ये उसकी कैलकुलेशन हुई और इसको प्रीव्यू करें तो इस तरह से उसके प्रीव्यू में उसने तमाम पीसीज को अलग-अलग अलाद कर दिया जैसे मैं यहां पे अगर डबल क्लिक करता हूं तो ये देखे ये तमाम पीसीज अलग अलग-अलग उसके हो गए तो साथियों इस तरह से ये हमारे पास उसका पैरामीट्रिक डिजाइन जो है वो बना उसके हमने एक एक पीस अलहदा अलग बना अब आपने इसको इसी तरतीब से जोड़ लेना है और इसके जोड़ने से आपका वो डिजाइन जो अभी हमने थ्री में बनाया जो हमें यहां पे ये यह नजर आया इसको मैं अगर थ्री में लेके जाऊंगा तो ये अब अब इस डिजाइन के स्लाइसिंग हुई और वो सारा प्रोसेस हो गया उम्मीद करता हूँ आज का ये लेसन आज का जो हमारी ये एक्सरसाइज़ है ये आप लोगों के लिए बहुत ही सूदमंद रही होगी और इसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए नई थी और आपने होपफुली उनसे कोई लेसन भी लिया होगा मुझे इजाज़त दीजिएगा इन नेक्स्ट नए ने लेक्चर नई टेक्निक के साथ दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़